सो वेलकम टू शेड्स ऑफ शाम्भवी। आज मैं बैठी हूँ अपनी बहुत ही अच्छी दोस्त मीमांसा के साथ और हम आज ट्राई करेंगे कुछ बातें करना जो हम यूजुअली भी करते ही हैं, बट आज हम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मीमांसा अभी अपना मास्टर्स कर रही है एमईटी से इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो हाय मीमांसा। हेलो। तो हम लोग कितने साल से दोस्त हैं? आई गेस मोर देन 19 ईयर्स। शिट, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। वेरी लॉन्ग। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम बचपन में दोस्त थे, बट हम लोग अपनी ही परेशानियों में इतने अंदर अंदर थे कि हम लोग उतने उस लेवल पे कनेक्ट शायद नहीं कर पाए। हाँ, स्कूल टाइम में तो नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि हम एक और जो लड़की थी हमारी दोस्त बेस्ट फ्रेंड, और हम तीनों का ग्रुप था, और फिर तीनों का ग्रुप नहीं हुआ, फिर काफ़ी सारे चेंजेस आए हमारे लाइफ में, स्कूल लाइफ में। हाँ। काफ़ी सारे ट्रॉमा जो अभी हम डंप करने वाले हैं। ट्रॉमा? हाँ, जो अभी हम अपने 12 लोगों पर डंप करने वाले हैं। बट हाँ, और आई गेस हम लोग जब कॉलेज के बाद एक पॉइंट आया जब मैं तेरे रूम में आई थी और हम लोग बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, और तेरी उस टाइम की रूममेट तेरे साथ थी, और हम बात कर रहे थे कि हमारा स्कूल लाइफ कैसी रही है। डू यू रिमेंबर दैट? हम बैंगलोर में थे तब। हाँ, मुझे याद है। एंड आई थिंक आफ्टर दैट वी बॉन्डेड रियली वेल, क्योंकि हमारे मेंटल ट्रॉमास काफ़ी हद तक सेम थे। हाँ हाँ, स्पेशली बचपन से रिलेटेड। हाँ, स्पेशली बचपन से रिलेटेड, क्योंकि हमारी बहुत सी चीज़ें सिमिलर है। हाँ हाँ, सो हमें आई गेस चीज़ें हमारे साथ हो रही थी काफ़ी टाइम से, बट पर्सनली मुझे तो रियलाइज़ नहीं होता था कुछ भी कि क्या हो रहा है, और अपने ही सिम्टम्स या चीज़ें नहीं बताती। मुझे लगता था ये तो नॉर्मली है या ये चीज़ तो सबके साथ ही होती है, बट तुझे कब रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि इट हैज़ गॉन बैड या कुछ प्रॉब्लम है? एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे भी बहुत टाइम से थी, और मुझे याद है 10th में मुझे, अब मैं सोचती हूँ उस बारे में तो रियलाइज़ हाँ. होता है कि वो डिप्रेशन था, बट लेकिन उस टाइम पे सब बोलते थे कि नज़र लग गई है। मेंटल हेल्थ का जो ऐसा क्या सिम्टम्स थे कि लोग बोलते थे नज़र लग गई है? क्योंकि मुझे मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं जितना स्टूडियस थी मैं उतना पढ़ नहीं पा रही थी उस हिसाब से, और मैं बहुत बार मुझे बिना किसी रीज़न के रोना आ जाता था, और मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो सब ऐसे थे कि इसको बुरी नज़र लग गई है क्योंकि ये लाइक टॉप 5 में रहती है, तो इस चक्कर में। क्योंकि वो बचपन से ही काफ़ी अच्छी पोजिशन में रही है, तो आई गेस उसका भी काफ़ी प्रेशर होता होगा। हाँ, उसका बहुत प्रेशर था, और उस चक्कर में आई डोंट रिमेम्बर कि मेन रीज़न क्या था कि मैं डिप्रेशन में गई थी, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं। हाँ। जो कि होता ही है इंडिया में। तो मतलब प्रेशर वो तुझे आसपास के लोग बोल रहे थे या तेरे अंदर से निकल रहा था जो एक्शंस हो रहे थे उनसे? आई थिंक मेरे पेरेंट्स वैसे बहुत सपोर्टिव हैं, बट आई थिंक उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि हाँ। मेरी मम्मी एक टीचर है, एंड वो लाइक उन पे काफ़ी प्रेशर था कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। वी विल गेट टू दैट। तो बहुत प्रेशर था कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। उन लोगों के प्रेशर की वजह से हमें कितना प्रेशर हुआ भाई। हाँ, तो उनका भी प्रेशर था, बाकी पीयर प्रेशर तो होता ही है। हाँ। और सब रिलेटिव्स का भी प्रेशर होता है, एक तो लड़की हूँ ये ज़्यादा प्रेशर था। हाँ, कि लड़की हूँ तो मुझे अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, खुद को प्रूफ करना पड़ेगा दूसरों के सामने, क्योंकि हमेशा बचपन से मैंने सुना था कि लड़कियाँ तो बोझ होती हैं। हाँ, लाइक कि शादी हो जाएगी तो उनकी एजुकेशन पे पैसा खर्च मत करो। आई रिमेम्बर तूने मेंशन किया था कि तेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं सोचते थे, बट जो तेरे आसपास के रिलेटिव्स थे, स्पेशली तेरे पापा के पास आके वो ये चीज बोलते थे। हाँ, लाइक मेरे पेरेंट्स इस चीज़ में बिल्कुल लाइक बहुत मॉडर्न है। हाँ, मॉडर्न हाँ. है, वो ये सब लड़का लड़की नहीं करते, बट लेकिन मेरे रिलेटिव्स जो मेरे लाइक आसपास रहते हैं, हाँ. बहुत क्लोज रिलेटिव्स, उनका भी यही पॉइंट था कि मैं इतनी एजुकेशन पे इसके खर्च मत करो, बाद में तो शादी होनी है। हाँ. तो मुझ में हमेशा से वो चीज़ थी, तेरे बैक ऑफ माइंड में था कि तुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जाके सबसे बेटर स्कॉलरशिप का वॉट एवर यू हैव टू डू इट, मुझे बेस्ट कॉलेज चाहिए, सब कुछ बेस्ट चाहिए बेसिकली। हाँ। तो फिर इसलिए वो प्रेशर था, आई थिंक वो प्रेशर लाइक वो स्ट्रेस एक पॉइंट तक था, उसके बाद वो स्ट्रेस डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। आई गेस हमारी पर्सनैलिटी भी बन जाती है ना बचपन में, जैसे कि अगर
तू ये नंबर ला रही है, तो आप दो तीन चीज़ों से जाने जाते हो क्लास में अपने, तो अगर वो चीज़ थोड़ी भी हिल जाती है तो स्पेशली हम जिस पॉइंट पे थे, अभी तो मुझे पता नहीं टीचर्स क्या रिएक्ट करते हैं, बट हम जिस पॉइंट पे थे तो आप में कुछ भी चेंज आता था तो लोग टीचर्स आपको नोटिस करते थे, आपके बारे में गॉसिप करते थे, मतलब मिलके अगर किसी टीचर को एक कोई बात पता चल गई है तो वो बात ऐसे फैला देते थे आपस में। हाँ, तो वो था कि आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली हम दोनों जिस स्टेज में थे या मतलब जिस पोजीशन में थे कि हमारे पेरेंट्स स्कूल से कनेक्टेड थे, तो हमारा कुछ भी बात सीक्रेट नहीं हो पाती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन थी, तुझे ऐसा फील होता था क्या? हाँ, लाइक मतलब कोई भी अचीवमेंट नहीं लगती थी, क्योंकि सब बोलते थे कि ओ लाइक यू नो लाइक टीचर की वेट वोट में, तो हाँ हाँ ये चीज़ है काफ़ी ज़्यादा। तो जो भी चीज़ें हुई, डू यू थिंक कि तुझे वो काफ़ी टाइम तक इम्पैक्ट करी है स्कूल में? हाँ, मतलब ऑफकोर्स वो अभी तक इम्पैक्ट करती है, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रामा, लाइक हम अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ, मैं इस बैकग्राउंड से आती हूँ, तो इट्स लाइक चाइल्डहुड ट्रामा सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है और वही हमारी पर्सनालिटी डेवलप करता है। हाँ, तो आई थिंक हाँ वो जो भी ट्रामा था वो आज भी रिफ्लेक्ट होता है मेरी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं। कुछ ऐसा इंसिडेंट है जो मे बी तूने अपनी थेरेपी में अपने बारे में सीखा हो कि ये एक ऐसी चीज़ हुई थी जो आज जो तेरी इनसिक्योरिटी है उस पॉइंट से कनेक्ट हो रही है, डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है उस चीज़ से? आई थिंक मैं स्कूल टाइम में फ्रेंड्स नहीं बना पाती थी ढंग से, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता था कि बैक पिचिंग, बैक स्टैबिंग बहुत होती थी, तो मुझे फिर बाद में ये ट्रॉमा हो गया था। लाइक आई रिमेम्बर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट कि तो बेसिकली हम सबको सीट पार्टनर्स चुनने होते थे। तो आई थिंक आई वॉज इन क्लास 9th, तो सबको पार्टनर्स चुनने थे एंड मैं जिसके साथ बैठना चाहती थी, अपेरेंटली वो शायद मेरे साथ नहीं बैठना चाहती होगी या जो भी केस। कैन यू नेम द अल्फाबेट? कैन आई? हाँ, ओके ओके, गॉट इट। तो जो भी था, आई डोंट थिंक अगर फ्रेंड्स ने सुन लिया तो दोस्ती खराब हो जाएगी। लेट इट बी। तो जो भी था, तो दो लोग थे ऐसे, तो मैं उनके साथ बैठना चाहती थी बट वो मेरे साथ शायद नहीं बैठना चाहते थे। तो मेरे साथ जो बैठना चाहती थी वो काइंड ऑफ वायलेंट थी, बहुत ज़्यादा वायलेंट थी। वही जो तू सोच रही है। हाँ, मैं आपको पहले बता दूँ, जो जिस लड़की की बात कर रही है उसने 11th क्लास में लोगों की सलवारें निकालने की कोशिश करी है क्लास में। उसने 8th क्लास तक मेरे कम से कम 5 बार मेरे कोट के बटन तोड़े हैं, वो भी बास्केटबॉल खेलते हुए। उसने सामने वालों के कोट तक फाड़े हैं बास्केटबॉल खेलते हुए। सो आप समझ सकते हैं कि मेरी दोस्त मीमांचा नहीं चाहती थी किसकी पिटाई हो किसी के भी द्वारा। हाँ, तो मैं नहीं चाहती थी क्योंकि वो थोड़ी वायलेंट हो जाती थी, स्पेशली अगर कोई टेस्ट चल रहा है और मैं फिलहाल पहले अपना कर रही हूँ, उसको चीटिंग नहीं करवा रही उस टाइम पे, तो फिर वो मेरे पीछे, लाइक वो मेरे पीछे बैठा करती थी। उसका लाइक रोल नंबर हमारे ऐसे थे कि वो मेरे पीछे बैठती थी, तो पीछे से कंपास तक मार देती थी अगर मैं कुछ नहीं बता रही तो मुझे उसके साथ नहीं बैठना था। फिर काफी ड्रामा क्रिएट हुआ था मम्मी ने। एक बात पूछूं, तुझे कभी ऐसा लगा है कि जब भी एग्जाम का टाइम आता था तो तेरे तुझसे लोग ज्यादा बात करते थे? एग्जाम के टाइम पे नहीं, एग्जाम हॉल में। मतलब इतना फॉर ग्रांटेड ले रखा था कि भैया ये तो कर ही देगी, ये तो बता ही देगी, बेवकूफ है तो कर ही देगी, हेल्प कर ही देगी। हाँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील होता था कि हम लोग सेम सेट ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं जो वो हमारे दोस्त हैं, बट अब हम कुछ कर नहीं सकते उस बारे में। बट मुझे लगता था कि मेरे बर्थडे के टाइम पे सब लोग मुझसे नॉर्मल हो जाते थे और बाकी टाइम पे वो बैक स्टैबिंग वगैरह चलती थी। अब तो लाइक बर्थडे पे मेरे लिए एक ट्रॉमा ही है, बिकॉज़ मुझे पता था कि उस दिन सब मुझसे बस फालतू में स्वीट बन रहा है। ओह गॉड। तो हाँ, जो भी था बर्थडे वाले दिन तो सब स्वीट बनते ही हैं, बट व्हेन यू कम टू कॉलेज यू स्टार्ट टू रियलाइज कि हाँ तो लोग बर्थडे पे भी स्वीट नहीं रहेंगे। हाँ, तो वो सब था, बट हाँ स्कूल में तो मैं उसके साथ नहीं बैठना चाहती थी बेसिकली। तो मेरी जो मम्मी है उन्होंने मेरी क्लास टीचर से बात करी एंड कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं तीसरी पर्सन बन सकती हूँ उन दो लोगों के साथ बैठने के लिए, लाइक जो भी जो दोस्त थी वो और उसके साथ जो जिसके साथ वो बैठ रही थी। एक सीट पे दो लोग बैठते थे और मैं तीसरी थी, तो बाकी सब लोग तीन तीन दो दो बैठते थे और मैं अकेली ऐसी थी कि जिसको बोला था कि तुम एक्स्ट्रा चेयर लगा के बैठ जाओ। तो फिर
लाइक एक दिन मैंने कहा कि ठीक है एक दिन मैं बेंच पे बैठ जाऊंगी, तुम टेबल चेयर पे बैठ जाना, मतलब रोटेशन कर देंगे बेसिकली. बट आई स्टिल रिमेम्बर उन्होंने कहा था यू आर एक्स्ट्रा, वी डिडंट इनवाइट यू, लाइक हमने नहीं कहा था हमारे साथ आके, आर वेरी हर्टफुल कि हमने नहीं कहा था हमारे साथ आके, स्पेशली टू अ चाइल्ड. हाँ तो आई थिंक वो दिन था, उसके बाद से मैंने अकेला बैठना शुरू कर दिया. मैंने कहा कि ओके मुझे नहीं रहना जहाँ पे लोग मुझे चाहते ही नहीं है. तो फिर मैंने वहाँ मैं अकेले बैठी लाइक फॉर लाइक इंटायर क्लास नाइन्थ मैं अकेले ही बैठती थी. बट हाँ अब लाइक मुझे दोस्त बनाने में उस एक इवेंट की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है. लाइक मैं कॉलेज में भी गई थी तो मुझे हर बार ऐसा लगता था कि मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं करती. अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे यही फीलिंग आती है कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती, लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझे इन्वाइट नहीं करते. तो मैं कॉलेज में भी बहुत अकेले रही और इस चक्कर में मेरी कॉलेज लाइफ उतनी अच्छी रह भी नहीं पाई क्योंकि मैं हर बार अपने दिमाग में अजम्पशन बना लेती थी कि यार ये लोग मुझे नहीं चाहते. काइंड ऑफ एक हाइपर इंडिपेंडेंस भी हो जाती है मेरे हिसाब से दिमाग में कि हाँ मैं तो अकेले ही ठीक हूँ. हाँ क्योंकि आप अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो फिर आप मर जाओगे. हाँ तो इस चीज़ से रिलेटेड मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब हम जानते हैं कि हम मेंटली क्या क्या गो थ्रू करे थे और स्पेशली आई गेस कॉलेज में आके हमें रियलाइज़ होना शुरू हो गया था. आई डोंट नो तुझे पहली बार रियलाइज टेंथ में हुआ था राइट? नहीं टेंथ में तो मुझे भी लगता था कि मुझे नज़र लग गया क्योंकि मैं जहाँ जिस सिटी से आती हूँ वहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं. तो फिर तब तो मुझे और ये चीज़ हो रही थी जब हम 2000 बॉर्न हैं तो फिर आप उस हिसाब से सोचिए कि ये उस टाइम की बात है. हाँ तो फिर उस टाइम पे कुछ लाइक उस टाइम तो मुझे भी लगा कि नज़र वगैरह लगी होगी जो भी है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. बट हाँ जब मैं कोटा गई, मैं एक्चुअली ड्रॉप किया था मैंने नीट के लिए तो मैं कोटा गई थी. तो वहाँ पे एक बार एक सेमिनार था जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट आया था एंड उसने जब चीज़ें बताई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे जो भी सिम्टम्स हैं वो एंगजाइटी के हैं, डिप्रेशन के हैं. आई थिंक वो पहली बार था जब मुझे रियलाइज़ हुआ. बट हाँ मुझे काफ़ी साल लग गए उसके बाद भी एक्सेप्ट करने में मेरी मेंटल इलनेस और थेरेपी में आने के लिए, क्योंकि बहुत सारा टैबू था वो एक्सेप्ट करना खुद को वो सब. तो टाइम लगा बट आई गेस जब मैं कोटा गई तब मुझे पहली बार पता चला कि ये मेंटल इलनेस है. तो उसके बाद कभी भी ये हुआ कि यू वर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज सामने वाले के लिए, जैसे सामने वाले को आदत है आपको फॉर ग्रांटेड लेने की, चाहे वो आपका पार्टनर हो या आपके फ्रेंड्स हो या कोई भी हो या आपके क्लासमेट्स, वट एवर इट इज़, उन लोगों को आदत होती है कभी कभी कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं और जो अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होता है वो एक सेल्फिश एक्ट हो जाता है उनके लिए. तो कभी ऐसा हुआ है कि तेरे आसपास वालों ने तुझे फील कराया है कि अपना ध्यान रख रही है या फिर उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रही है, उनसे बात नहीं कर पा रही है? हाँ बहुत बार हुआ है मेरे साथ. लाइक पहले तो मुझे ये चीज करने में बहुत साल लग गए. लाइक आई गेस पिछले लास्ट 2 साल में मैंने सीखा है कि किसी चीज़ के लिए मना कैसे करते हैं. उससे पहले आई थिंक वो पीपल प्लीजर वाला मेरा थोड़ा बिहेवियर था, मैं मना नहीं कर सकती थी लोगों को किसी भी चीज़ के लिए. मुझे डर था कि लोग मुझसे बात करना बंद कर देंगे या मेरे से फ्रेंडशिप ख़त्म कर देंगे, जो भी था. तो मुझे काफ़ी टाइम लगा कि मैं लोगों को मना कर पाऊँ. हाँ और जब मैंने वो करना शुरू किया तो मुझे काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला कि यू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, ये अच्छे दोस्त की वो निशानी नहीं है. तो उन लोगों को बेसिकली था कि अगर वो कुछ गो थ्रू कर रहे हैं तो मैं हमेशा रहूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं उस टाइम पे क्या गो थ्रू कर रही हूँ या फिर पास्ट में मेरा क्या रिलेशन रहा है उनसे. तो आई थिंक ब्लेम तो किया है बहुत बार किया है आई गेस स्पेशली. मतलब मैं जितना तुझे जानती हूँ तेरे कॉलेज लाइफ में जो तेरे रूममेट्स बने हैं शुरू में उनसे भी काफ़ी ज़्यादा तेरी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट पड़ा था ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज आई फील लाइक यू वर क्वाइट कनेक्टेड टू देम एंड दे वर जस्ट इन अ वे जस्ट यूजिंग यू एट सम पॉइंट या फिर वो जब उनको दे सॉ द नेक्स्ट थिंग दे जस्ट जंप टू दैट विदाउट रिजॉल्विंग दिस फ्रेंडशिप.
हाँ मतलब ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ कॉलेज टाइम में, बट इट वॉज लाइक कि यूजिंग मी और नॉट वो मुझे नहीं पता, बट ऐसा बहुत बार था कि उनको मुझसे बेटर थोड़ा सा भी कोई बेटर मिला तो फिर वो बस भूल गए कि आई एवर एग्जिस्टेड, तो इट वॉज काइंड ऑफ लाइक दैट. या डू फील दैट अंडर एज बच्चे थे और वो हमसे दुश्मनी ले रही थी फॉर सम रीजन, और वो बता रही थी कि हाँ ये देखो तो ऐसे हैं, ये देखो तो वैसे हैं. एक्चुअली उस टाइम पे खुद के लिए स्टैंड लेना अपेरेंटली वो ऐसा था कि तुम रूड हो, तुमने तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे घर वालों ने. हाँ 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 आई रिमेम्बर दैट. आई डोंट नो मैंने कभी स्टैंड लिया है स्कूल टाइम में अपने लिए. मैंने तो कभी नहीं लिया. हाँ ने कभी बोला भी नहीं है. पीठ पीछे हमारे बारे में बहुत बातें होती थी, बिकॉज मुझे पता है तेरे बारे में जो बातें होती थी और तुझे पता है मेरे बारे में क्या बातें होती थी. तो हाँ सो लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी वंस लाइफ, जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो आपका पहला हो या दूसरा हो तीसरा हो जो भी है. आप तुम तेरी मेंटल हेल्थ ने कैसे इम्पैक्ट किया इन दोज रिलेशनशिप. Like, for example, if something was happening or you're not able to get it because of your mental health or someone was trying to use that against you, did that ever happen with you? हाँ, like, मेरी mental health के चक्कर में मेरी relationship काफ़ी affect हुई है. To be honest, मैं relationship में आई ही, जब मैं पहली बार relationship में आई थी तो it was like कि मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आई थी, लोनलीनेस की वजह से आई थी. एंड लाइक व्हेन आई फाउंड समवन की ओके ही इज़ लाइकिंग मी, ही इज़ गिविंग मी अटेंशन, तो मुझे जिस अटेंशन की तलाश थी वो बेसिकली मुझे मिल रही थी. तो फिर मेरा बस एक वही रीज़न था रिलेशनशिप में आने का. और फिर जब मैं आई तो मैं हमेशा इनसिक्योर रहती थी खुद को लेके. आई डोंट नो, आई मीन उस टाइम तक मैंने एक्सेप्ट करना खुद को स्टार्ट कर दिया था कि मेरे कर्ली हेयर्स हैं, आई लाइक इट एंड थिंग्स लाइक दैट. बट जब मैं रिलेशनशिप में आई तो रियलाइज हुआ कि मे बी मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं ये सब खुद के बारे में लाइक करती हूँ. वैलिडेट, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा वैलिडेशन चाहिए. हाँ और मैं नहीं बोलूँगी कि तेरी गलती है इस चीज़ में, बिकॉज हमारे साथ बचपन में ऐसी चीज़ें हुई जिस वजह से हम ऐसे हो गए, और वो जो पर्सन था वो उस चीज़ को तेरे अगेंस्ट यूज़ कर रहा था, मतलब इन अ वे. हाँ लाइक शुरुआत में कोई नहीं करता ऐसी और नो, बट हाँ बाद में जब थोड़ा टाइम हो जाता है तुम थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हो. आई वोंट से दैट कंफर्ट, क्योंकि बेसिकली इट्स लाइक कि आफ्टर दैट यू जस्ट स्टार्ट यूजिंग देयर इनसिक्योरिटीज एंड जस्ट यूज देयर इनसिक्योरिटीज अगेंस्ट देम. तो फिर मुझे, मैंने अपने वेट को लेके बहुत बार सुना है कि ही नोज एग्जैक्टली व्हाट टू से टू डिस्ट्रॉय यू, एंड ही सेड दैट. या ही सेड एवरीथिंग व्हिच कुड हैव डिस्ट्रॉयड मी एंड इट डिड. तो हाँ उसने बहुत चीज़ें बोली वेट को लेके, एंड हाउ इट मेक्स मी लुक अनअट्रैक्टिव, और मेरे अनअट्रैक्टिव होने से उस पर क्या फर्क पड़ता है. वो सब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं सेंटेंसेस यहाँ पे बोल नहीं सकती बिल्कुल एज इट इज़, जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है. तो हाँ वो सब हुआ है रिलेशनशिप में. एंड आई थिंक मैं भी, आई वोंट से कि मेरी कोई गलती नहीं थी, बिकॉज ऑल्दो मुझे पता था कि मुझे डिप्रेशन है, एंगजाइटी के इश्यूज हैं, बट पहली बात मैंने कभी छुपाए नहीं हो अपने पार्टनर से. मैंने हमेशा बता के रखा कि हाँ मुझे ये इश्यूज हैं. और बट आई डोंट थिंक कोई भी तुम डील करेगा तुम्हारी मेंटल इलनेस से जब एक्चुअली वो सिम्टम्स दिखेंगे. क्योंकि आई रिमेम्बर कि अगर मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, लाइक सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना, तो मुझे ब्लेम किया जाता था कि ऐसे क्यों करना है. आई मीन बेसिकली दे यूज टू फ्लॉन्ट देमसेल्व्स कि हम तो तुम्हें फ्लॉन्ट कर रहे हैं, तुम्हें तो आना चाहिए ये सब. एंड विदाउट यू नो बेसिकली दे जस्ट इनवैलिडेटेड माई मेंटल हेल्थ और एंगजाइटी इश्यूज़ को स्पेशली, कि ये सब तो नौटंकी है, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ दिमाग में होता है. तो हाँ दैट पर्सन आल्सो वाज स्टडीइंग सोशियोलॉजी और समथिंग राइट. या ही वाज, आयरोनिकली ही वाज. एंड उसने मुझे बोला था कि वो थेरेपी ले चुका है एक टाइम पे लाइफ में, तो आई थॉट ही विल अंडरस्टैंड, बट या ही डिड. लगता है कि इंस्टाग्राम थेरेपिस्ट से ली उसने थेरेपी. हाँ यार, किसी बहुत अजीब इंसान से लिया, एंड आई एम प्रिटी श्योर वो क्वालिफाइड तो नहीं था. आजकल ऐसे बहुत अनक्वालिफाइड लोग खुद को थेरेपिस्ट समझते हैं, तो फिर इसलिए उस
आई डोंट थिंक उसने मुझे बहुत इनवैलिडेट किया. गैस लाइटनिंग बहुत ज़्यादा थी उसमें. लाइक मुझे अभी तक याद है, मैं खुद को इतना ब्लेम करती थी कुछ चीज़ों के लिए कि मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं क्यों कर रही थी. एंड अगर मैं तुझसे डिस्कस नहीं करती वो बातें तो मैं मुझे आज तक नहीं पता होता कि मैं कभी गलत थी नहीं उन मैटर्स. मतलब मुझे याद है कि जब तेरे मैसेजेस आए थे आई वॉज लाइक I shouted like how the fuck can he say that. I was like so angry because मैं ना कभी उससे मिली थी बट मुझे उसके बारे में कुछ ही बातें पता थी. ऊपर से तू उस स्टेज में थी कि तू शेयर नहीं करती थी कुछ भी. हाँ क्योंकि मे बी आई डोंट नो वॉट वॉज द रीज़न. मे बी तुझे लगता था कि आई शुड नॉट शेयर समथिंग दिस पर्सनल. और हाँ मतलब वो बातें बहुत ज़्यादा पर्सनल थी और मुझे लगता था कि रिलेशनशिप की बातें आज की रिलेशनशिप में रहनी चाहिए. बट दैट्स नॉट ट्रू. हाँ मतलब जो जो तुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के तेरा बेवकूफ़ बना रहा था. हाँ हाँ और मतलब वो सेम चीज़ ही कंटिन्यू कर रहा था आगे तो. हाँ एंड मुझे जब भी बेसिकली इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता था तो ही वाज लाइक कि मैं भी आई एम गोइंग थ्रू दिस. तो हाँ कि मतलब ऐसे कुछ ऐसा डाइव वाली चीज़ इंस्टेड ऑफ इवन अंडरस्टैंडिंग शोइंग द बेसिक एम्पैथी वो ये चीज़ कर रहा था. पहली रिलेशनशिप में यही था. सेकंड में भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें थी. बेसिकली मुझे पैनिक अटैक्स पड़ते थे फॉर लाइक आई हैड माय ओन रीजंस फॉर दोस. बट उस मुझे उसके लिए भी ये बोला गया कि यू आर मेंटली टू अनस्टेबल तो फिर इसलिए वो रिलेशनशिप में नहीं रह सकते. एंड यू नो लाइक दैट टिपिकल ब्रेकअप लाइंस कि यू आर अ गुड पर्सन आई जस्ट विश द टाइमिंग वॉज राइट एंड थिंग्स लाइक दैट. और सबसे फनी बात है कि ये सब बातें उन्हें सब पहले से पता थी. ऐसा नहीं कि तू कुछ हाइड करी थी. लाइक आई नो तू यू टेल मी कि दैट इज द फर्स्ट थिंग यू टेल एनीवन कि हेलो मेरा नाम है विवांशा है और मुझे मेंटल प्रॉब्लम है. हाँ सो मेरा इंट्रोडक्शन ही यही था और हमारा हम मेरे पॉडकास्ट का टॉपिक भी यही है. हाँ मैंने बहुत सफ़र किया रिलेशनशिप में मेंटल हेल्थ के चक्कर. हाँ और आई गेस जो रिलेशनशिप में लोग थे उन लोगों ने सफ़र करवाया है. लेट मी पुट इट दैट वे टू यू कि उनके जो जो एक्शंस थे वो तुझे इम्पैक्ट करें और काफ़ी टाइम तक करें और उसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ भी काफ़ी हुई है. हाँ उन्होंने भी किया है मैंने भी किया है मैंने भी गलतियाँ की है. बट इट्स जस्ट दैट कि मैं थोड़ा अवेयर थी. हाँ. कि यार ये नहीं करना चाहिए तो मैंने थोड़ा कम किया है. हाँ उन्होंने थोड़ा ज़्यादा किया है. दैट्स इट. हाँ so let's talk about the thing we are in therapy. जो बाकी लोगों को होना चाहिए था जो नहीं है उनकी वजह से हम हैं. हाँ हाँ तो तेरा पहली बार तुझे थेरेपी के बारे में कैसे पता चला? स्पेशली बिकॉज हम एक बहुत ही स्मॉल टाउन से आते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें आप डिस्कस नहीं कर सकते. यू कांट लाइक आपको सामने वाला पागल समझेगा अगर आप किसी को एक बार पता चली कि हाँ आप थेरेपी में हो. लोग आपको थोड़ा ऐसे लाइक लोग अपने आप को कंपोज करते हैं कुछ बोलने से पहले अगर आप उनको बोलोगे आई एम इन थेरेपी लाइक स्टिल टिल डेट. और मुझे तो ज़्यादा ही करते क्योंकि मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से आती थी. लाइक व्हाई आर यू मेंटली अनस्टेबल व्हाई आर यू हैविंग प्रॉब्लम्स. हाँ मतलब तुमने किताब में तो पढ़ी लिया था कि नोट्स पढ़ना. हाँ हाँ लाइक दैट. तो ऐसा नहीं है ऑनेस्टली. मैंने थेरेपी के बारे में एक्चुअली मेरा बहुत जब मैं कोटा में थी तो मेरे व्यूज बहुत ही वेग से थे क्योंकि मुझे लगता था वो जो होता है ना मूवीज में कि थेरेपिस्ट बैठा है तुम काउच पर लेटे हो. वो कौन सी मूवी है? डियर जिंदगी. तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि थेरेपी ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है. हाँ. दूर दूर तक ऐसी नहीं होती है. तो मुझे बस वही व्यूज थे और मैंने एक्चुअली सिर्फ साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया था साइकोलॉजिस्ट को नहीं. एंड जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ साइकियाट्रिस्ट थेरेपी नहीं देते. साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशंस देते हैं. दे सकते हैं वो थेरेपी बट यूजुअली दे डोंट. वो बस मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली थेरेपी देते हैं. तो मैं जब कॉलेज में आई मुझे पता चला कि ओके थेरेपी होती है डिफरेंट टाइप्स की थेरेपी होती है. तो वो सब था. एंड जब मेरा पहला ब्रेकअप हुआ उसके बाद आई फाइनली आई डोंट नो लाइक मुझे याद है शाम भी नहीं मुझे एक पेज
भेजा था जहाँ पे वो लोग आर्ट सेशन फ्री प्रोवाइड करते हैं, तो फिर मैंने वहाँ पे एनरोल किया था एंड लकीली मुझे उसमें सामने से एक साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि लाइक शी वांट्स टू टेक द केस. दैट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन थेरेपी? नॉट द फर्स्ट एक्सपीरियंस, मैंने उससे पहले ट्राई किया था क्योंकि मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे. बैंगलोर में थी मैं, लोनलीनेस एक्चुअली मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट रहा है. तो फिर कॉलेज में मैं, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि मेरी कॉलेज लाइफ कुछ ग्रेट नहीं थी क्योंकि मेरे खुद के चाइल्डहुड ट्रॉमा इतने थे कि मैं प्रोसेस नहीं कर पाती थी और उस चक्कर में अजीब बिहेव करती थी, अकेले रहती थी. तो उस चक्कर में मुझे कभी कभी सुसाइडल थॉट्स आते थे बैंगलोर में. तो मैंने ट्राई की थी थेरेपी बट मुझे वो वाली लाइक वाइब मैच नहीं हुई या जो भी था. इट वॉज मोर लाइक कि मुझे पता है कि थेरेपी कैसे वर्क करती है, तो फिर मुझे पता था कि वो जो कर रहे हैं वो थेरेपी नहीं थी. वो क्या कर रहे थे मैं जानना चाहती हूँ. आई मीन यू नो इट्स मोर लाइक कि तुम अपने फ्रेंड्स से ही बात कर रहे हो. अच्छा. आई हैव मेनी फ्रेंड्स फॉर दैट. मैं जाके रैंट करूँ कि मेरे साथ ये हुआ है, सिंपथी दो, ये सब. उसके लिए मेरे पास बहुत से दोस्त हैं बट लेकिन, और वो थेरेपिस्ट भी मेरे साथ सेम कर रहे थे उन्होंने कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे लाइक एक बार मैंने अपनी थेरेपिस्ट को बोला कि मैं आई फील लाइक आई एम एसेक्सुअल क्योंकि आई वॉज जेन्युइनली फीलिंग लाइक दैट क्योंकि मैं उससे पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं रही थी और ना ही मुझे अट्रैक्शन फील होता था. तो मुझे याद है उसने मुझे बोला कि ये इसके लिए तुम कोई पंडित जी को दिखाओ. आई मीन उसने लेजिट लाइक बोलती कि ये तो मेंटल इलनेस है. And she was a certified therapist. Yeah, she was. Oh God. मैंने एक्चुअली एजुकेशन चेक करी थी क्योंकि मुझे पता है कि बहुत फेक लोग घूम रहे हैं. हाँ. तो मैंने एक्चुअली वो ऐसी जो फेमस साइट्स होती है, ऐप्स होती हैं, उन्हीं पे किसी एक ऐप पे उसको कंसल्ट किया था उसी पे किसी से. तो उसने बोला कि ये कोई मेंटल इलनेस है, दिस डजंट एग्जिस्ट. ओह गॉड. तो ये सब हुआ है थेरेपी में मेरे साथ, इसलिए मुझे थोड़ा कभी, हाँ मैंने मैक्सिमम दो सेशन लिए थे दैट्स इट. बट हाँ जब कोपिंग लाइक बेसिकली जो शांभवी ने मुझे पेज भेजा था, हाँ, नाम वो तो इट्स लाइक कि उसका नाम था द कोपिंग कॉर्नर. वहाँ से मुझे एक साइकोलॉजिस्ट ने कॉन्टैक्ट किया कि वो ये मेरा सेशंस लेना चाहते हैं. तो फिर मैंने आठ सेशन लिए एंड आई थिंक अगर फ्री नहीं होते तो शायद मैं भी गिव अप कर देती. बट आर्ट सेशन में इतनी अच्छी क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप बन गई थी एंड मैं खुद में इम्प्रूवमेंट देख पा रही थी, इसलिए मैंने फिर वो कंटिन्यू किया. बट हाँ वो मेरा पहला टाइम था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि थेरेपी वर्क करती है. उससे पहले मैं बस ऐसे थी कि मैं इस फील्ड में हूँ बट मुझे ही नहीं पता क्योंकि आई डोंट नो अगर सारे थेरेपिस्ट ऐसे होते हैं तो फिर इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी और एनी वन इन दैट केस. क्योंकि यार दोस्त वाली एडवाइस सब दे सकते हैं. बिकॉज़ यू माइट बी क्वेश्चनिंग योरसेल्फ आल्सो कि मैं ये पढ़ रही हूँ. मैं करने लगी थी बट अभी मुझे थेरेपी में एक साल से ऊपर हो गया एंड आई नो कि मुझमें क्या क्या चेंजेस आए हैं. और वो सुपरफिशियली नहीं है ये मैं जानती हूँ. आई मीन मे बी कुछ सुपरफिशियल होंगे बट बहुत सारे सुपरफिशियल नहीं है. और यू नो कि क्या क्या तेरे अंदर चल रहा है. यू आर मोर अवेयर अबाउट योरसेल्फ. हाँ एंड लाइक थेरेपिस्ट की लाइक बेसिक पहचान ये होती है कि वो सही है. इट्स लाइक इफ एनी ऑफ यू हु इज लिसनिंग एवर वांट्स टू ट्राई थेरेपी, एनी ऑफ यू 12 पीपल, किसी को भी कभी थेरेपी ट्राई करनी हो तो मेरे साथ ये था कि मैंने एक्चुअली मेरा ब्रेकअप हुआ था रिसेंट और मैंने एक थेरेपिस्ट को कंसल्ट किया था एंड वो बेसिकली मेरी एक्स की बुराई किए जा रही थी मेरे साथ मिलके कि ओ तूने उसको ये इतनी राइट दे कैसे दी कि वो तुझे इतना हर्ट करके जाए एंड ये सब लाइक. जबकि वो ऐसा नहीं कर सकते. हाँ हमें अलाउड नहीं होता ये सब करना. ये बेसिकली इनवैलिडेट करना हुआ जो कि थेरेपी में बिल्कुल अलाउड नहीं होता. इनवैलिडेट लाइक आई मीन वो बेसिकली मेरे ही फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर रही थी कि तूने क्यों दिया. अच्छा अच्छा वो बोल रही थी कि तेरे एक्शन ये लाइक हाउ कैन यू गिव समवन दिस राइट टू हर्ट यू सो मच ये सब चीज़ें. कि वो तो ऐसे ही था लाइक आर यू क्राइंग फॉर अ पर्सन लाइक हिम. तो भाई ये तो ड्रंक फ्रेंड टाइप एडवाइस है यार. हाँ मेरे कुछ बहुत खराब एक्सपीरियंसेस रहे थेरेपी में. हाँ बट जो मेरी अभी जो मेरी थेरेपिस्ट है वो बहुत अमेजिंग है. तो वो जब उससे मैंने ये सब कुछ शेयर किया तो पहली बार उसने बहुत एम्पथी दिखाया कि हाँ मैं ऐसा जो फील कर रही हूँ मैं कुछ गलत फील नहीं कर रही एंड ये नॉर्मल है ऐसा फील करना.
इससे डील कैसे करना है ये सब करना सिखाया. और बहुत सारे इश्यूज थेरेपी में आते रहे. और उसने कभी बेसिकली मेरी फीलिंग्स को ये नहीं बोला कि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स ही तुम्हें बोलने लगते हैं कि यार तू उसके लिए क्यों रो रही है, या फिर तू इस चीज़ पे क्यों रो रही है, तेरी लाइफ तो अमेजिंग है, बहुत लोग मरते हैं ऐसी लाइफ के लिए, तू तब भी रो रही है क्योंकि तू बैंगलोर में पार्टी कर पा रही है, घूम पा रही है, यू कैन वेयर द क्लोथ यू वॉन्ट. इट्स लाइक अ लग्जरी. या बिकॉज इधर के हिसाब से दैट इज अ लग्जरी ही. If you wear anything like above your knees, then like people, not even above your knees, if like you wear कुछ भी तुम पहनो यार लोग तुम्हें घूर के देखते हैं. हाँ, you can't avoid it. Actually, तो जो भी था उनको लगता था मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग है, वो सब था. तो एक मोमेंट ऐसा भी था कि मैंने दोस्तों से शेयर करना बंद कर दिया था, उसमें शाम भी इंक्लूडेड नहीं है. बट बाकी जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं वो मुझे यही बोलते थे कि यार तू बैंगलोर में रह रही है, लोग मरते हैं उस लाइफ के लिए. तो शांभवी को सब पता था, बट वो मेरी फ्री थेरेपिस्ट हमेशा से रही है. आई मीन जब से हम बैंगलोर गए हैं उसके बाद ये हो गया था कि मैंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स से बोलना बंद कर दिया था. एंड देन मुझे प्रोफेशनल हेल्प की एक्चुअली बहुत ज़रूरत थी, एंड वो एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था. बट जब मैंने किया, मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट दिखा, मेरी रिलेशनशिप्स फ्रेंडशिप्स में इम्प्रूवमेंट दिखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कि थेरेपी वर्क्स. एंड अब मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि हाँ, मुझे बनना है थेरेपिस्ट, इट डज़ हेल्प मी. या और मैं एज एन आउटसाइडर उसमें काफ़ी सारे चेंजेस देख पा रही हूँ. लाइक आई रिमेंबर हाउ यू वर बिफोर, हाउ यू वर सुपर एंशियस अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच वॉज गोइंग अराउंड. मतलब तू अपने आप को इतना ज़्यादा क्वेश्चन करती थी कि ये चीज़ मेरी गलती है क्या, या हाँ तुझे लगता था सब चीज़ तेरी गलती है. बिकॉज सामने वाला, ऑनेस्टली सामने वाला ऐसा इसको फील कराता था. बट बिकॉज हमें इतना पता नहीं होता है कि हमको लगता है हाँ यही सही बोल रहा है जो सामने वाला बोल रहा है. तो या थेरेपी वर्क फॉर यू, आई गेस यू स्टिल इन थेरेपी. या so to conclude this podcast, I would like to ask you ऐसे तीन advices जो तू लोगों को देना चाहती है जो तूने अपने life के experience से सीखे हैं, especially as a psychology student. Okay, I guess पहला मैं जो बोलूँगी वो relationship से related बोलूँगी, because I think आजकल सबको ही वो चाहिए life में, which is not wrong, but बहुत बार हम गलत step उठा लेते हैं. तो it's like कि कभी भी रिलेशनशिप में मत आना आउट ऑफ लोनलीनेस, यू नो, जस्ट बिकॉज यू आर बीइंग वल्नरेबल एंड यू नीड अटेंशन एंड समवन इज प्रोवाइडिंग यू दैट, जस्ट डोंट कम इन रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दैट सिंगल रीजन. इट रुइंस द होल थिंग. या देन यू जस्ट गेट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन, एंड व्हेन दैट पर्सन लीव्स यू, यू आर जस्ट शैटर्ड. सो मेरा पहला एडवाइस वही रहेगा, बिकॉज आई थिंक एवरीवन आउट देयर गोस थ्रू दैट. या दूसरा, खुद की फीलिंग्स को इनवैलिडेट कभी मत करना. लाइक इफ़ यू आर फीलिंग एंग्री, डोंट जस्ट आस्क योरसेल्फ कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, या फिर मैं उदास क्यों हूँ, मेरी लाइफ तो इतनी अच्छी है, लोग मुझे बोल रहे हैं ये सब तो अच्छी होगी. बिकॉज वट एवर यू आर फीलिंग इज वैलिड. आई मीन ये बहुत लेट रियलाइज होता है, मे बी उस मोमेंट पर खुद को नहीं पता होता कि ऐसा क्यों फील हो रहा है, बट बाद में जब याद आता है कि बचपन में ये सब हुआ है, उस चक्कर में अब ये चीज़ हो रही है तो उससे ऐसी फीलिंग आ रही है, तो वो सब कुछ फीलिंग्स कभी गलत नहीं होती. फीलिंग्स हमेशा लाइक टेम्प्रेरी होती हैं, बट हमेशा जस्ट वैलिडेट योर फीलिंग्स. आई गेस ये चीज़ इसलिए भी लोग मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप कुछ चीज़ खाना पीना ऑर्डर कर पा रहे हो, आपके सर में छत है, आप घूम रहे हो, तो मतलब खुश तो हो ना, मतलब आपको और क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है. वही, आई मीन दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट आई स्टिल रिमेम्बर जब सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस हुआ था. हाँ. तो हर लाइक जो लोग एक्चुअली बिलीव कर पा रहे थे कि सुसाइड है, वो बस ऐसे थे कि सुसाइड कोई क्यों करेगा, वो ही हैड एवरीथिंग, लाइक मनी एंड लाइक ही वाज लिविंग इन सच अ बिग फ्लैट. आई रिमेम्बर दिस इन द न्यूज़. या एंड आई थिंक वो मेन रीज़न था जिस वजह से वहाँ पे रिया चक्रवर्ती को ब्लेम किया जा रहा था, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कोई खुश इंसान, कोई नॉट खुश इंसान, मतलब किसी दूसरे वाले ने ही कुछ किया होगा. हाँ, कि वो क्यों करेगा, उसके पास तो सब कुछ है. हाँ, एंड दैट रियली शोड कि असली में लोग कैसा फील करते हैं मेंटल इलनेस के बारे में एट लार्ज प्रोपोर्शंस.
हाँ, तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, जो भी ये सुन रहा है, खुद की फीलिंग्स को कभी इनवैलिडेट मत करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स की फीलिंग्स को भी कभी मत करना, बिकॉज वट एवर दे आर फीलिंग दे हैव अ रीजन फॉर इट. एंड लास्ट एडवाइस यही है कि यू जस्ट नीड टू बी एम्पेथेटिक फॉर योर सेल्फ, बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू. लाइक इफ यू आर समवन हु कांट से नो टू थिंग्स एंड इवेंचुअली यू विल लर्न हाउ टू, यू एवरी वन विल ब्लेम यू डैट यू आर चूजिंग योर सेल्फ, बट एक्चुअली यू विल रियलाइज कि जब तुमको ज़रूरत थी तो तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तो लाइक बहुत कम लोग थे, एंड जो लोग ब्लेम कर रहे हैं उसमें से बहुत ऐसे होंगे जो कभी तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं थे. तो खुद को एम्पथी दिखाना बहुत ज़रूरी है. लाइक कोई तुम्हें आके बॉडी शेम कर रहा है, बहुत लोग आके कर सकते हैं, बट कोई तुम्हारी जगह नहीं फील कर सकता ना कि तुम कैसा फील करते हो उस चीज़ को लेके. तो खुद को लेके एम्पथेटिक होना पड़ेगा. लाइक हम यूजुअली खुद को लेके बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, लाइक हम खुद को बहुत नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, स्पेशली जो ये वाली फीलिंग होती है हम अवॉइड करने का या उसको बैक ऑफ द माइंड डाल देते हैं कि हट ऐसा थोड़ी है व्हाटएवर. हाँ, वी आर नॉट फीलिंग दिस, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर फीलिंग दैट. हाँ, ट्राई टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड. लाइक जस्ट लाइक मुझे अभी तक याद है, एक थेरेपी में मुझे मेरी थेरेपिस्ट ने बस एक एडवाइस दी थी कि जस्ट टॉक टू योर सेल्फ लाइक यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड. क्या अगर गुड एडवाइस बेस्ट फ्रेंड ने, तूने अगर ये अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया होता क्या वो ऐसे बोलती, या फिर तेरी बेस्ट फ्रेंड तुझे ये बताए तो कैसे रिएक्ट करेगी. तो मुझे डिफरेंस दिख रहा था कि मैं काफ़ी एम्पथेटिकली अपनी फ्रेंड के साथ मैं बहुत एम्पथेटिक थी, मैं समझ रही हूँ. यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ एक्चुअली शोज कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो. हाँ, तो काफ़ी टाइम लगता है वो चीज़ डेवलप करने में, बट स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा कि यू हैव टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड. यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग इट. आई गेस एक दो बारी में नहीं हुआ होगा ये, काफ़ी डेवलप अभी भी. हाँ, अभी भी वो ऑन गोइंग प्रोसेस है. या तो दैट वॉज आर पॉडकास्ट अबाउट मेंटल हेल्थ, वॉट वी शेयर्ड थ्रू आर स्कूल लाइफ, वॉट माई फ्रेंड शेयर्ड अबाउट हर मेंटल हेल्थ जर्नी, वॉट हैपेंड इन हर स्कूल लाइफ, हर डेटिंग लाइफ, एंड वॉट आर द थ्री थिंग्स दैट शी वॉन्ट्स पीपल टू नो, दैट दीज आर द लेसन्स फ्रॉम हर लाइफ दैट she would want others to implement. बाकी आई होप कि ये वीडियो 12 से ज़्यादा लोग देखें ताकि मैं और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर पाऊँ, जबकि मेरे से ज़्यादा दोस्त हैं नहीं, तो मुझे लगता है मैं मानसा के साथ ही दो पॉडकास्ट और होने वाले हैं. तो आप रेडी रहिए मैं मानसा को इस चैनल में वापस सुनने के लिए. और अगर आपको हमारी मेकअप वीडियोज़ देखनी है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज हम वो रिकॉर्ड करने में एकदम तैयार बैठे हैं, हमको कोई शर्म नहीं है उस चीज़ में. तो या आई होप यू एंजॉयड दिस पॉडकास्ट, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल शेड्स ऑफ शांभवी, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम.